आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन हमें दिया हुआ है कि पुनर्युगल डीएनए तकनीक में प्राय मानव जीन जीवाणु या ईस्ट में स्थानांतरित किए जाते हैं। कारण है कि चयनित वाहक तीव्र गति से गुणित होकर के बड़ी समष्टि का निर्माण करते हैं, जो कि वांछित जीन को अभिव्यक्त कराती है या करती है। देखिए, चार ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कहता है कि कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सत्य व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। और ऑप्शन डी है कि कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो देखिए क्या होता है। देखिए, पुनर्युगज डीएनए तकनीक जो है, पुनर्युगज डीएनए तकनीक, पुनर्युगज डीएनए तकनीक जो है, इसके अंतर्गत प्राय इसके अंतर्गत जो मानव जीन होता है, यानी मानव के अंदर का जीन, यानी मानव जीन को किसी जीवाणु या ईस्ट के अंदर, मानव जीन को किसी जीवाणु या फिर ईस्ट के अंदर या फिर ईस्ट के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं। देखिए, मानव जीन को जीवाणु या ईस्ट में स्थानांतरित किया जाता है। देखिए, उसके पश्चात जो चयनित वाहक के जीन है, यानी जिसके अंदर मानव जीन को स्थानांतरित किया गया है, यानी कि चयनित वाहक वो बहुत तीव्र गति से, यानी बहुत तेजी से गुणित होता है, यानी कि बढ़ता है, बहुत तीव्र गति से गुणित होकर के एक बहुत बड़ी समष्टि तैयार कर लेता है। बहुत बड़ी तेज गति से वो गुणित होता है और एक बड़ी समष्टि तैयार कर लेता है। और जो कि वांछित जीन, ये समष्टि जो है, ये हमें उस वांछित जीन की अभिव्यक्ति कराती है जो हमें स्थानांतरित किया था, जो हमें चाहते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा कथन कि पुनर्युगल डीएनए तकनीक में प्राय मानव जीन को जीवाणु या यीस्ट में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका कारण दिया हुआ है हमें कि चयनित वाहक जो है वो तीव्र गति से गुणित होकर के बड़ी समष्टि का निर्माण करते हैं, जो कि वांछित जीन की अभिव्यक्ति कराती है या करती है, तो यह भी सही है। तो देखिये, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बाकी के ऑप्शंस को यहाँ पे हम देखें तो कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सत्य व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, ये भी गलत। कथन असत्य है, कारण सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।